बिल्कुल। अरे आप भी हैं? जी ओ ज्वाला प्रसाद। बस 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 बहुत सही। ठीक ठीक ठीक। ये पवित्र बाइबल है, ईसाई धर्म ग्रंथ, मतलब कुल मिलाकर के अपने साथ धर्म सब मनुष्य के लिए। नहीं, ईसाई धर्म ग्रंथ नहीं है सर, इसमें एक शब्द नहीं, ईसाई नहीं लिखा। ये किसका है? ये सर ईसाई किसका है? ये है क्रिश्चियन का। क्रिश्चियन कौन होता है? ईसाई होते हैं। फिर हमको यदि यहाँ से आराम है तो हम यहाँ पे। नहीं, आप दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी से हमारे पास में एक वीडियो निकल कर आया है जो कि मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग देखेंगे कि एक पास्टर काफी सालों से एक घर के अंदर लगातार प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर चर्च लगा रहे थे, और अचानक फिर किसी को पता चला तो पुलिस को लेकर वहां पर पहुंचे, तो पुलिस ने किस प्रकार से पादरी के साथ बातें की और साफ बोला कि तुम यहाँ पर चर्च नहीं लगा सकते, तुम ये नहीं कर सकते। उसके बाद में जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि वहाँ पर उस भीड़ के अंदर एक विश्वासी व्यक्ति था जिसने किस प्रकार से वहाँ पर जो पुलिस के साथ में, हो सकता कौन था, वो पुलिस था या नहीं था मैं नहीं जानता इस बात को, वहाँ पे जो भी कोई था उस व्यक्ति को किस तरीके से जवाब दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हमें आने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और भी लोग इन दिनों में सतर्क और सावधान हो सके। आइए देखते हैं। यहाँ पे ईसाई मिशनरियों द्वारा बाइबल के वचन लिखे गए। बाइबल किस धर्म का ग्रंथ है? बातें बंद करिए और दोबारा यहाँ पे ले लगे जा लीजिए बात, ठीक है ना? तो आप कितने दिन से कर रहे हैं ये? सर हम 8-9 साल से कर रहे हैं। 8-9 साल से यहाँ कर रहे हैं? अच्छा, ये हम 5-7 लोग 10 लोग बैठ के प्रार्थना करते थे। हाँ, तो आपको कोई और जगह नहीं मिली, यही जगह मिली थी? सर हमारा घर है। अच्छा, ये आपका घर है? हमारा घर है। ठीक, बहुत सही। आप 8-9 साल से कर रहे हैं, उसके बाद इतने लोग यहाँ पे हैं योगी सरकार में, ये ईसाई धर्म का प्रचार। बहुत सही। ये जो किताब देखो उसका भी पवित्र बाइबल। बिल्कुल। अरे आप भी हैं? जी। ओ ज्वाला प्रसाद। बस 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 बहुत सही। ठीक ठीक ठीक। ये पवित्र बाइबल है, ईसाई धर्म ग्रंथ, मतलब कुल मिलाकर के अपने साथ धर्म सब मनुष्य के लिए। नहीं, ईसाई धर्म ग्रंथ नहीं है सर, इसमें एक शब्द नहीं, ईसाई नहीं लिखा। ये किसका है? ये सर ईसाई किसका है? ये है क्रिश्चियन का। क्रिश्चियन कौन होता है? ईसाई होते हैं। फिर हमको यदि यहाँ से आराम है तो हम यहाँ पे। नहीं, आप आराम लीजिए, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, हम प्रभु को मानेंगे। बिल्कुल मानिए, किसने कहा कि मत मानिए? मैंने पढ़ा 40 बार अर्थ सहित मैंने पढ़ के पूरा कर दिया। अनावश्यक बात नहीं, अनावश्यक बात मत बोलिए, काले बात बोलिएगा। अगर मैं समझू तो अपना समाधानी बात ज्यादा नहीं बचा बोलिएगा। और दोबारा ऐसे किसी घर भीड़ में होने के लिए अनुमति लोग उसी मान चाहिए। विदाउट अनुमति द्वारा इकट्ठा हो जाए तो उचित नहीं होगा। आपके पास गलिए हाथ गलिए अगर विदाउट अनुमति यहाँ इकट्ठा हो गए 10 बजे से अधिक तो आप लोग मनोकाम हो जाए। 44 लागू है, 5 या 5 अधिक जैसे हुए तो उसको मनोकाम हो जाएगा। अतः अब दोबारा यहाँ भीड़ में इकट्ठा नहीं होगी। तो मनाई मर जाए, चाहे जहाँ जाए, डॉक्टर कहाँ जाए, लेकिन बिना अनुमति के इकट्ठा भीड़ नहीं करोगे। कहाँ से अनुमति मिलेगी? ये बनिए, ये बनिए सर, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है सर। क्या रजिस्ट्रेशन? आप उसको लेकर दिखाइए, नहीं पेपर दिखाइए। हेलो, हाँ तो आज आया है थाने पे, तो थाने पाओ तो हम हमको एक कहाँ जा रहे हो जी? अलग अलग जा रहे हैं, थाने पर आई, थाने पर आइए जी। एक मिनट, ईसा मसीह ने कौन सा धर्म चलाया था? ईसा मसीह ने धर्म नहीं चलाया। किसने बताया? ईसा मसीह ने धर्म नहीं चलाया। हाँ। आप पूरी बाइबल में पढ़ लीजिए, कहीं भी ईसाई धर्म का शब्द नहीं है इसमें। क्या है उसमें? उसमें ईसाई धर्म का शब्द आपको नहीं मिलेगा। मानव जाति के लिए है कि मानव जाति सही रास्ते पे चले, सही। आप मिर्जापुर जनपद के 96 क्षेत्र नरोइया गाँव में इतनी भीड़ इकट्ठा करके और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं,
आपको ये पता है कि योगी सरकार में कानूनन जुर्म है, यह जानते हुए भी ये काम कर रहे हैं? का प्रचार करना सर कानूनन जुर्म कैसे होता है? अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से ये जो मसीह व्यक्ति है जो इस बात को बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ और हम आएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे और हमें कौन रोक सकता है। यहाँ पर इस व्यक्ति को जब पूछा गया कि ईसाई धर्म की तुम विश्वास करते हो, ईसाई कौन है, ये ईसाइयों की बाइबल है, तो इस बात को इन्होंने बोला कि हाँ हम ईसाई हैं, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन के अंदर काम किया इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर कि जो पुलिस वाला है उन्होंने पादरी को पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों यहाँ पर लगा रहे हो, तो इन्होंने साफ बोल दिया कि यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। दोस्तों साफ मिलाकर बात यह है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा देश का जो संविधान है हमें स्वतंत्र करता है इस बात के लिए कि हम किसी भी धर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, यहाँ तक कि लोग इकट्ठे होकर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर हो सकते हैं, लेकिन अपने देश के माहौल को बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकते। अगर हम वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं या फिर अपने आस पड़ोस के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान हमें नहीं कहता कि हम ऐसा करें, ये तो गलत है। लेकिन अगर कोई शांति से वहाँ पर प्रार्थना आराधना कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि डिस्टर्ब करना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें स्वतंत्र करता है इन बातों के लिए। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो जरूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।